भैया इसे घमंड नहीं करना कभी भी। अय्यूब को देखो कितना अमीर था, लेकिन उसका लगाव किसकी ओर था? परमेश्वर की ओर, परमेश्वर के प्रति धर्मी। कितना उसके ऊंट थे, कितनी भेड़े थी, कितनी उसके पास गायें भैंस थी, लेकिन उसका लगाव किसकी ओर था? परमेश्वर की ओर। कितना जीलेगा बंदा? 40 साल उम्र, 40 और जीलेगा, 100 जीलेगा। जाना तो है ना ऊपर, किसी को नहीं पता ना कितनी उम्र है, लेकिन जितनी है ना उसी में काम करो ताकि परमेश्वर तुम्हारी उम्र को लंबा करे और ब्लेस करे। यीशु मसीह के सामर्थी नाम। लोग क्या करते हैं, उस उम्र को चुगलियों में बिता देते हैं, गालियों में, व्यभिचार में, नशे में बिता देते हैं, घमंड में बिता देते हैं। जब अकल आती है तब घुटने क्रिक क्रिक करते होते हैं, तब क्या सेवा करनी? तब उनको लगता है सारी उम्र ऐश करो, बुढ़ापे में भक्ति करेंगे जाकर। हालेलुया। जब मैं प्रभु में आया 2010 में आया प्रभु में, तब कितनी उम्र होगी मेरी? 24 23 24। किसी लेखक ने लिखा है? कोई लेखक है लिखने वाला? शायर है कोई? जो यीशु मसीह ने लिखा है, मैं दाखलता हूं तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है वो फल लेके आता है, और जो मुझसे अलग होकर होता है वो सूख जाता है। प्रभु ने कहा मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। समझ आई नहीं आई मेरी बात? चर्च की जरूरत नहीं है, पास्टर की जरूरत नहीं है, कोई प्रेयर की जरूरत नहीं है। मैं घर बैठकर वचन पढ़ सकता हूँ, सीख सकता हूँ। 6 महीने के लिए सही है, 1 साल के लिए सही है, कुछ दिन रुको तुम्हें मालूम हो जाएगा कि परमेश्वर ने अपने भवन में अगुवे क्यों खड़े किए, ताकि आप लोग सीखें और ब्लेस हो सके यीशु मसीह के सामर्थी नाम। हालेलुया। प्रभु ये बता रहा है कि तुम मुझसे अलग होकर कुछ कर नहीं सकते हो, आपकी भूख जो है वो आज से बढ़ जाएगी प्रभु के प्रति। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 3 उसकी 17 में क्या लिखा है? कि मैं धनी हूं और मुझे किसी चीज की घड़ी नहीं है। ये नहीं जानता कि तू अभागा है, ये परमेश्वर का वचन बता रहा है, तू अभागा है, तुच्छ है, कंगाल है, अंधा है और नंगा है। जो लोग बोलते हैं ना मैं अमीर हूं, धनी हूं, मुझे किसी चीज की घड़ी नहीं है, अगर वो पैसा प्रभु के कामों में नहीं है, अगर वो फाइनेंस, अगर वो टाइम परमेश्वर के कामों के लिए अपने ही देते, जहां परमेश्वर की सेवा में नहीं है, वो पैसा जो है वो बेकार है। परमेश्वर बोलता है तो मैं तो तुम्हें अभागा ही देखता हूँ कि तेरे पास इतना पैसा है। अगर पैसे से प्रभु प्रसन्न होता तो कितने ऐसे अमीर व्यक्ति है देखो, जिन्होंने पूरा जगत जीत लिया है, फेसबुक भरी पड़ी है, यूट्यूब भरा पड़ा है, मैं नाम नहीं लेना चाहता। तो क्या परमेश्वर उन्हें उस तरीके से देखता है? परमेश्वर उन्हें अभागा ही देखता है, तुच्छ देखता है, नंगा देखता भी, कि अभी ये लोग मेरी ओर नहीं है, उनका पैसा किसी काम का नहीं है, वो पैसा बीमारियों में भी जा सकता है। हम बाइबल को पढ़ते तो हैं लेकिन समझते नहीं जो परमेश्वर बोल रहा है। तू अपने आप को समझता है मैं धनी हूं, मेरे पास बड़ी गाड़ी है, रेंज ओवर है, लंबोर्गिनी है, ये बड़ी फलानी गाड़ी है मेरे पास, मुझे किसी चीज की घड़ी नहीं, किसी बंदे की परवाह नहीं है, कुछ भी हो जाए। लेकिन परमेश्वर की निगाहों में ऐसा नहीं है। वचन में ये लिखा कि परमेश्वर को ढूंढना जरूरी है। यशायाह की पुस्तक 26:9, रात के समय मैं जी से तेरी लालसा करता हूं। लालसा क्या होती है? किसी चीज को पाने की इच्छा। जी क्या है? दिल, अंदर से। रात के समय मैं परमेश्वर को ढूंढने की जरूरत नहीं, वो तुम्हारे पास ही है। तुम बाइबल ओपन करोगे, बाइबल खोलोगे, परमेश्वर तुमसे बात करनी शुरू कर देगा। तुम प्रार्थना में बैठोगे, परमेश्वर को पुकारोगे, परमेश्वर तुमसे बात करनी शुरू कर देगा। समझ आ रही नहीं आ रही मेरी बात? यत्न से मेरा मन तुझे ढूंढता है। जब एक बंदे को बीमारी होती है, हार्ट की, लीवर की, ब्रेन की, किडनियां खराब होती है, लिखा होता ना, तो आप पूछते कोई डॉक्टर दसो कोई किडनी का केड़ा स्पेशलिस्ट, बोलते जलंधर में चले जाओ, जलंधर में है वो डॉक्टर, किडनी का स्पेशलिस्ट है, फलाने हॉस्पिटल में चले जाओ, फोर्टिस में चले जाओ, हार्ट का है वहां चले जाओ। आप ढूंढते ना, ढूंढ ढूंढ कर, एक से फर्क नहीं पड़ता, ढूंढते और कौन सा डॉक्टर है जो सही हो, कौन सा डॉक्टर है जो मेरे हार्ट का ट्रीटमेंट कर सके, मेरे ब्रेन का ट्रीटमेंट कर सके, ढूंढते हो या नहीं ढूंढते हो? हालेलुया।
समझ आ रही नहीं आ रही? अगर तुम डॉक्टर को ढूंढते हो अपनी बीमारी का इलाज करने के लिए कि मुझे अच्छा डॉक्टर मिल जाए, मेरी जान बच जाए, कहीं मैं मर ना जाऊं, अगर तुम आत्मिक भूखे हो, प्यासे हो, तुम यतन के साथ रात को उठोगे 2 बजे 3 बजे 4 बजे उठकर पुकारोगे, ढूंढोगे डॉक्टरों के डॉक्टर को, हकीमों के हकीम को, जो सारे इनर ऑर्गन का स्पेशलिस्ट है, उसका नाम जीसस क्राइस्ट है। बोलो यीशु, ऊंची आवाज से बोलो यीशु, बोलो यीशु। एक एक स्पेशलिस्ट है ना, हार्ट का, किडनी का, ब्रेन का। यीशु मसीह ऐसा डॉक्टर है जो सारे शरीर के अंगों का स्पेशलिस्ट है। अगर उसको ढूंढेंगे रात को, उसको ढूंढेंगे संडे वाले दिन चर्च में आकर सेवा करेंगे, प्रेयर करेंगे, प्रार्थना में रहेंगे, अपना टाइम परमेश्वर को देंगे, मैं आपको बता रहा हूं आप ब्लेस्ड रहेंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आशीष रहेंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। समझ आ रहा है कुछ है? नहीं आ रहा? मैं सिंपल वचन दे रहा हूं, एकदम सिंपल, तुम्हें समझाने के लिए ताकि तुम समझो। पैसे आ जाए ढूंढते ना, वेस्टर्न यूनियन कहां पर है? बूढ़े भी हो वो भी चेक लेकर बोलते हैं कितने निकलने, वो भी कैश करवा के लेके आते हैं। डॉक्टर भी हम ढूंढ लेते हैं, सारी चीजें ढूंढते हैं। तो परमेश्वर के वचन में से हम जाते क्यों नहीं है, ढूंढते क्यों नहीं है परमेश्वर को कि वो हमसे क्या कह रहा है? हालेलुया। सारी उम्र बंदा क्या करता है? कोई बंदा ऐसा नहीं है जिसको प्रभु का वचन ना सुनाया जाए इस समय। हर बंदे को मालूम है, मीडिया में इतना प्रचार फैल रहा है ना, विरोधी पार्टियां भी परमेश्वर के वचन को इतना फैला रही है ना, बहुत ज्यादा। जिस तरह से अन्य जाति प्रचार करते हैं ना, क्रिश्चियन भी वैसा प्रचार नहीं कर सकते, पता ही नहीं पता। तुम जब प्रचार करते हो ना, जब मैं प्रचार कर रहा हूं, सिर्फ क्रिश्चियन लोग देखते हैं, अन्य जाति लोग नहीं देखते। जब एक अन्य जाति बंदा किसी क्रिश्चियन के बारे, पास्टर के बारे में बोलता है, सब जातियां देखती हैं कि क्रिश्चियन के बारे में क्या बोला जाता है, तब सब तक प्रचार पहुंचता है प्रभु यीशु मसीह के नाम से।